तब से आकर मिले, उन्होंने बच्चों की तरह संभाल कर हमारे को लेकर जिद्दा पहुंचे। जिद्दा शहीद की खाने पीने से देखने की तारीफ नहीं करें, एक्चुअल ग्राउंड में तारीफ है और एक्चुअल उन्होंने जो काम करते हैं छाती तान कर करते हैं, हर आदमी को देखते हैं। आप अगर जाने की कोशिश करते हैं तो मेरे इससे मैन हूं, मेरे तहजीब के हिसाब, मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो मिलिट्री एक्शन होता है, मिलिट्री का जैसा कोऑपरेशन होता है, उस तरीके से हमारे ग्रुप को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, हर आदमी को हर चीज की सिखलाई दिया। इनका सबसे ज्यादा पसंद मेरे को एक चीज आया कि हम अनपढ़ लोग हज के लिए आते हैं, हमारे को कुछ मालूम नहीं रहता, हम बस के अंदर चढ़ते हैं तो हर चीज हमारे को दुआएं से लेकर नियत करने से लेकर सारी चीजें ताहिर साहब की बदौलत हम सब सीखते गए और उनसे वो उन्होंने हर चीज हमारे को बताया। मेरा नाम पीर अली पटेल, मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट का उमनाथ तालुके का वदी का रहने वाला हूँ। मैं बहुत बार सुना था कि अल सईद से जाना है, बहुत अच्छा है, बहुत ये है, बहुत तारीफें सुना था। एक्चुअली हमारे को मालूम नहीं था, मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट का था, आकर मुलाकात कर दिया और मेरा नाम उनके पास लिख दिया और बुक करा दिया। उसके बाद सफर शुरू हुआ। 20 तारीख को हम जब निकले हैदराबाद से, ताहिर साहब से आकर मिले, उन्होंने बच्चों की तरह संभाल कर हमारे को लेकर जिद्दा पहुंचे। जिद्दा से बस में ले जाकर जैसा हमारे को भाइयों के जैसा अपने परिवार की तरह ले जाकर आराम से बिठाए। मैं एक एक्स मिलिट्री मैन हूँ, मेरे तहजीब के हिसाब, मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो मिलिट्री एक्शन होता है, मिलिट्री का जैसा कोऑपरेशन होता है, उस तरीके से हमारे ग्रुप को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, हर आदमी को हर चीज की सिखलाई दिया। इनका सबसे ज्यादा पसंद मेरे को एक चीज आया कि हम अनपढ़ लोग हज के लिए आते हैं, हमारे को कुछ मालूम नहीं रहता, हम बस के अंदर चढ़ते हैं तो हर चीज हमारे को दुआएं से लेकर नियत करने से लेकर सारी चीजें ताहिर साहब की बदौलत हम सब सीखते गए और उनसे वो उन्होंने हर चीज हमारे को बताते गए, ये नियत करो, ये दुआएं पढ़ो, ये करो। हाँ, उमरे में चले गए, हमारे को कुछ मालूमात नहीं थे, हर आदमी को एक एक आदमी को उन्होंने इंडिविजुअल ये दिखाया। खाना पीना तो हर जगह मिलता है, हर जगह आले से आले दर्जा खाना मिला है। हाँ, उसके खाने की कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। इनकी सबसे बड़ी सिखलाई और तजुर्बा और हमारे जो लेकर जाना लेकर आना, रात भर हमारे बच्चों की तरह फिक्र करते हैं, रात भर नहीं सोते, उन्हीं के रूम में मैं रहता हूँ, रात को 10 वक्त उठकर देखते हैं कि मेरे हाजी हैं या नहीं है। हाँ, हर चीज वो एडवांस प्रोग्राम कर हमारे हर चीज से उन्होंने मुतमईन कर दिया और हर जियारतें करवाया। उनके प्रोग्राम में नहीं रहा तो भी उन्होंने हाजियों को देखकर, हमारे ग्रुप को देखकर खुश होकर नए नए प्रोग्राम बनाते गए और हमारे जियारतें कराते गए। उनका लाख लाख शुक्रिया। हाँ, हमारा हज जहाँ तक हो सके साहब ने बहुत अच्छी तरीके से करवाया, अल्लाह कबूल करे। और जो भी हज को जाने वाला है वो ज्यादा ना सोचे, अल सईद की खाने पीने से देखने की तारीफ नहीं करे, एक्चुअल ग्राउंड में तारीफ है और एक्चुअल उन्होंने जो काम करते हैं छाती तान कर करते हैं, हर आदमी को देखते हैं। आप अगर जाने की कोशिश करते हैं तो मेरे इससे अल सईद से जाना आपको अच्छा रहेगा। शुक्रिया सब।